हेलो गाइज, तो गाइज आपके वीडियो जो वीडियो डाली थी पिछली में, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि किन्ने किस्म का पूछा। सबसे पहले मेरे मार्क्स बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैं अपने मार्क्स बता दूँ। मेरे जो मार्क्स हैं 150 हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है, जैसे सब तैयारी थी तो इसलिए मैं अपने मार्क्स नहीं बता रहा था। क्लियर? तो पहले इस वीडियो में नॉन टेक के बता दूँगा, नॉन टेक में क्या क्या आया था। इसके बाद क्या मैंने अभी लिख ली है पूरे रजिस्टर में याद करके, और इसके बाद अगली वीडियो डालूंगा उसमें टेक का बता दूंगा पहली शिफ्ट में क्या क्या पूछा, छोटी छोटी सी वीडियो रही। क्लियर? तो आप अगर और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हो। क्लियर? देखो कंप्यूटर में जो मुझे याद है उसमें से मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आया था लैंग्वेज का, उसमें पूछा था निम्नलिखित कौन सी भाषा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्लियर? हालत खराब, तो क्लियर आवाज नहीं निकल रही है, रोटी कुछ सूझ नहीं रहा, बहुत दूर से एग्जाम से आए यार बैठे तभी से। क्लियर? एक लैंग्वेज आया था, एक आया था इनपुट आउटपुट से, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा आपका इनपुट नहीं है। क्लियर? तो उसमें प्रिंटर का ऑप्शन था और भी ऑप्शन थे, इनमें से पूछा था इनपुट नहीं है, तो प्रिंटर आपको पता आउटपुट है, तो ऐसा आंसर था। एक्सटेंशन नाम से आया था आपका, जो विंडो का एक्सटेंशन नाम क्या है उससे आया था। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था। क्लियर? और विंडो से भी एक क्वेश्चन आपका आया था। क्लियर? और कुछ क्वेश्चन और थे जो नॉर्मली थे, कट शॉर्टकट की वगैरह से नहीं आए थे। एक सेल से आया था, सेल की डेफिनेशन यानी एक्सेल से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था सेल का। क्लियर? तो सेल से आया था। क्लियर? इतने क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से जो मुझे याद है, और बाकी भी क्वेश्चन आए थे जो कि अभी मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर? मैथ से मैं बता दूँ तो मैथ से सिलेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आया था, उसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों ही मिक्स करके उसमें बोला था। क्लियर? बॉर्ड मार्क्स के आपके तीन चार क्वेश्चन आए थे, उसमें क्या होता था स्कोर वगैरह दे देते थे, स्कोर की वो एक्स के स्कोर के फॉर्म दे देते थे, तो उसमें आपको एक्स की वैल्यू पूछते थे, या फिर क्वेश्चन मार्क बीच में दे देते थे बराबर के बाद आपकी वैल्यू रख देते, तो उसकी वैल्यू आपसे पूछते थे। सिंप्लीफिकेशन के दो तीन क्वेश्चन आए थे, तो आप सिंप्लीफिकेशन को आप क्लियर कर सकते हैं। और परसेंट का एक क्वेश्चन आता चीनी वाले सवाल, जो कहते हैं क्वेश्चन एक्यूरेट एक्चुअल वजह था चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति या एक ग्रहणी अपनी खपत कितने परसेंट ही कमी करे कि उसका खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था, पॉइंट में कुछ वैल्यू दस पॉइंट ऐसे, 10 पॉइंट के बाद ये तीन वैल्यू दी, तो एक जैसे ऑप्शन थे वो उसका आंसर था। क्लियर? साइंस का मैं देखूँ तो साइंस का एक आपका मेटोलॉइड पूछा था, निम्नलिखित कौन सा वो है मेटोलॉइड पदार्थ है। क्लियर? और प्लांट्स में से आया था, मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था प्लांट्स में से आप क्वेश्चन आया था फीमेल मतलब प्लांट्स का फीमेल ऑर्गन कौन सा वो करके आपका आया था। प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा था, प्रोकैरियोटिक निम्नलिखित में से कौन सा, उसमें से आपका साइंस में से क्वेश्चन आया था, और डिसीज के बारे में आया था। क्लियर? इसके बाद फिजिक्स में से भी कुछ क्वेश्चन होते और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। क्लियर? और बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में देखो एक तो रचना आई थी मेघदूतम, किसकी रचना या प्रयास पूछा था कालिदास की कौन सी रचना, तो उसमें मेघदूतम करके आंसर उसमें था। क्लियर? छंद में पूछा था कि छंद में जो रुकते हैं बीच में तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम जो यति है, तो यति की डेफिनेशन आई थी। क्लियर? एक पूछा चिन्ह, जो चिन्ह रहते हैं ना उसे पूछा लोप चिन्ह कौन सा, जैसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह रहते हैं ऐसे ही पूछा था लोप चिन्ह कौन से, तो हिंदी में उसमें से भी आया था। एक शुद्ध शब्द के लिए याद है दो क्वेश्चन लगभग थे जिसमें आपको शुद्ध शब्द आपको बताने थे, और एक क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो कालों को ध्यान रखना काल आपके आएंगे। क्लियर? पर्यायवाची शब्द आए थे। क्लियर? और एक तत्सम टाइप का शब्द आया था, एक ऐसे एक्चुअल में क्या है संस्कृत में लिखा था 33 को लिखा था त्रय त्रय दशम ऐसे करके लिखा था, उसमें पूछा था क्या 23 33 43 53 ऐसे ऑप्शन थे, तो उसमें 33 जो है करेक्ट आंसर था। तो हिंदी के इतने क्वेश्चन आपको मैंने 7-8 क्वेश्चन बता दिए, आई थिंक कुछ क्वेश्चन और होंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके? इसके बाद इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में जाना सिलेक्टेड ही पोर्शन आया था, आर्टिकल में से आए थे एक दो क्वेश्चन, और साथ में स्पोर्ट एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आए थे आपके 7-8 क्वेश्चन स्पोर्ट एरर के फॉर्म में, क्योंकि स्पोर्ट एरर में सारे टॉपिक आप कंप्लीट हो जाते थे। क्लियर? और एक और आइडम्स, एक दो आइडम्स मुझे देखे थे वो आए थे। क्लियर? रही बात जीके ही, देखो जीके एमपीजी के आपका बिल्कुल नहीं आया था, करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन मुश्किल से मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा था, और जीके में आपका एक क्वेश्चन आया था एसएस कप जो है जो क्रिकेट है वो कितने साल बाद होता है, एसएस कप का आया था, और एक आर्टिकल्स पूछा गया था आपको फंडामेंटल राइट्स का, ये आर्टिकल पूछा गया फंडामेंटल राइट्स के बाद के जो आर्टिकल वो पूछे गए थे। क्लियर? 35-36 के बारे में पूछा गया था, और मुझे आई थिंक जीके में इतना ही ध्यान आ रहा। क्लियर? तो जीके का पोर्शन जो है ऑल इंडिया लेवल का आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है बेसिक आ रहा। क्लियर? तो नॉन टेक के लिए जो वीडियो है, एक और वीडियो में टेक की बता दूंगा सिविल इंजीनियर के टेक में क्या पूछा था। क्लियर? तो इसी चैनल पर थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।